नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंशन बेस्टीज में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, फार्मेस एंड न्यूमरोलॉजिस्ट आज आपको सावन के महीने के बारे में बताऊंगी कि सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है, सावन के महीने में ऐसे कौन सी पूजा करें जिससे कि आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मित्रों, सावन का महीना इतना सात्विक महीना होता है कि इस महीने में की गई पूजा का हमें कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। आप 16 सोमवार रखते हैं उसके बाद जो फल मिलता है वो आपको सावन के महीने के सिर्फ 4 सोमवार को रखने से ही फल मिल जाता है। इस महीने में शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और इस महीने में जब देव सोए होते हैं तो शिव और पार्वती जी इस ब्रह्मांड में घूमते हुए इस ब्रह्मांड के सभी लोगों की परेशानी और समस्याओं को दूर करते हैं। तो इस महीने में, सावन के पूरे महीने में यदि आप शिव जी की पूरी पूजा कर लेते हैं तो आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। मित्रों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि सावन के महीने में क्या होता है कि हर इंसान ये सोचता है कि मंदिर जाके मुझे शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना है। उस भीड़ के अंदर सब एक के ऊपर एक गिरे होते हैं, पूजा में बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि मुझे पहले करना है। यदि आपके घर में शिव परिवार है, शिव जी की मूर्ति है, उसे एक थाली में रख के आप वहाँ पे पूजा करेंगे तो आपको जो फल मिलेगा वो मंदिर जाने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर आपकी कॉन्सेंट्रेशन तो हुई नहीं ना कि आपने पूजा करनी है। वहाँ तो सिर्फ ये टारगेट होता है कि मुझे शिवलिंग तक कैसे पहुँचना है और फिर दूसरे से पहले मुझे जल कैसे चढ़ाना है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये महीना इतना कीमती होता है, इस महीने में पूरे सात्विक मन से, पूरी श्रद्धा भाव के साथ आप जो पूजा करेंगे उस पूजा का रिजल्ट आपको मिलना ज़रूरी है। बल्कि हम उस पूजा को करने के चक्कर में हम समय ही ख़राब कर देते हैं कि अरे वो मेरे से पहले ना कर ले या वो मेरे से पहले ना कर ले। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप जिस मंदिर में जा रहे हैं सावन के महीने में वहाँ बहुत भीड़ रहती है, तो आप अपने घर में भी शिव जी की पूजा आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि शिव जी की पूजा आपने किस तरीके से करनी है। सबसे पहले, सावन का महीना 25 जुलाई से शुरू हो रहा है, उस दिन रविवार है, यानी कि रविवार 25 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और ये 22 अगस्त तक रहेगा। 22 अगस्त को भी रक्षाबंधन है और दिन रविवार है, इस दिन रक्षाबंधन मनाई जाती है। आपको पता है ना, जब सावन का आखिरी दिन होता है उस दिन रक्षाबंधन होती है, उस दिन पूर्णिमा होती है, तो पूर्णमासी वाले दिन रक्षाबंधन मनाई जाती है। तो 22 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। मित्रों, इस बीच में दो प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक पड़ेगा आपका 5 अगस्त का, दूसरा पड़ेगा आपका 20 अगस्त का। तो मित्रों, सावन के महीने में जितनी हो सके आप उतनी शिव जी की पूजा करिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने सिंपल तरीके से किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं जिसको करने से आपको करोड़ों गुना फल मिलेगा। उसमें ज़रूरी नहीं आपको बहुत सारे पाठ करने हैं बैठ के, आपको वहाँ बैठ के रीडिंग करनी है, ऐसा नहीं। मैं आपको छोटे छोटे इतने अचूक उपाय बताऊंगी जो आप शायद जानते भी हैं और आप जब सुनेंगे तो आप कहेंगे ये तो हमें पता था। तो आप इनको करें और अपने जीवन का अतुल्य अमूल्य वक्त को पूजा करिए और शिव जी का आशीर्वाद पाइए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यदि आप मंदिर में जाना पॉसिबल है तो मंदिर में जाके शिव जी को पंचामृत चढ़ाया जाता है। अब पंचामृत आप कैसे चढ़ाएंगे, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हम जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं हमारा टारगेट सिर्फ वो होता है कि उन्हीं भगवान पे जाके हम जल चढ़ा दें। यदि सावन का महीना है तो सभी ये सोचते हैं कि पंचामृत जाके सिर्फ शिव जी पे चढ़ा दें, पर ऐसा नहीं। आपको पंचामृत किस तरीके से चढ़ाना है, आपको सारी चीज़ें एक साथ मिलाकर नहीं लेके जानी है कि आपने एक तांबे का लोटा लिया, उसके अंदर दूध डाला, दही डाला, शहद डाला, गंगा जल डाला, घी डाला और ले जाके वो आपने शिव जी पर चढ़ा दिया, ऐसा नहीं। आपको सबसे पहले जल चढ़ाना है और जल चढ़ाना है किस तरीके से, आप सबसे पहले जल चढ़ाएंगे गणेश जी पे, उसके बाद कार्तिकेय जी पे, फिर नंदी महाराज पे, फिर माता पार्वती पे और लास्ट में आपने शिव जी पर चढ़ाना है। जब आप ये प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें स्टार्ट करते समय आपने मन में
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। यदि आप महामृत्युंजय मंत्र जानते हैं तो आप उसका भी जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबिकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी ववंदना मृत्यु मोक्षी यमामृतात्। ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि आपको जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है और आप सावन के महीने में इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आपकी हर परेशानी और हर समस्या दूर हो जाएगी। तो अब आपके मन में ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र चल रहा है। आपने जल चढ़ाया, जल के बाद आपने शिव परिवार को उसी तरीके से दूध से स्नान कराना है। सबसे पहले गणेश जी पे, कार्तिकेय जी पे, नंदी महाराज, माता पार्वती, लास्ट में शिव जी। आपने जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, अब दही चढ़ाएं उसी तरीके से, फिर शहद चढ़ाएं, फिर गंगा जल चढ़ाएं, फिर घी चढ़ाएं। अब ये आपने पांचों चीज़ें चढ़ा दी। अब इसको चढ़ाने के बाद आपने अब ऐसे छोड़ना नहीं है, अब आपने फिर सादे जल से स्नान कराना है सभी भगवानों को। उसके बाद फिर आपने चंदन का तिलक लगाना है। उसके बाद आपने बेल पत्ते चढ़ाने हैं। अब बेल पत्ते, आप बेल पत्ता लीजिए, उसके ऊपर ओम, या तो आप सिर्फ ओम लिख सकते हैं या ओम नमः शिवाय पूरा लिख सकते हैं। तीनों पत्तियों पे आपने लिखा ओम 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 या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पत्तियाँ आप 11 भी ले सकते हैं, आप 108 भी ले सकते हैं। बेल पत्ता हमेशा शिवलिंग के ऊपर उल्टा चढ़ाया जाता है। ऐसे ही आपने, अब आपने बेल पत्ता चढ़ाना है, सबसे पहले गणेश जी पे, फिर कार्तिकेय जी पे, नंदी महाराज पे, माता पार्वती पे और लास्ट पे शिव जी पे। शिव जी के ऊपर आप 11 बेलपत्ते चढ़ा सकते हैं, आप 108 पत्ते चढ़ा सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, श्रद्धा भाव है कि जितना आप कर सकते हैं। आप मौली लीजिए, मौली लेके सबसे पहले गणेश जी पे चढ़ाइए, फिर कार्तिकेय जी पे, फिर नंदी महाराज पे, फिर माता पार्वती और शिव जी को आपने एक ही रोली से लपेटना है और उस पर नॉट नहीं बांधना है, सिर्फ आपने ऐसे लपेट देना है। उसके बाद आपने चंदन का तिलक लगाना है, पहले गणेश जी पे, कार्तिकेय महाराज जी, नंदी महाराज, माता पार्वती, और जब हम शिव जी पे लगाएंगे तो ये तीन उंगलियों से लगाते हैं इस तरीके से, फिर अंगूठे से तिलक लगाना है। उसके बाद आप दिया जलाइए, देसी घी का, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, और आप प्रसाद में कुछ भी ले जा सकते हैं, आप बेर ले जा सकते हैं, आप केले ले जा सकते हैं, और यदि आपने व्रत रखा है तो आटे का चूरमा बनाकर ले जा सकते हैं। और उसके बाद आप वहीं पर मंदिर में, अगर आपको स्थान मिलता है तो एक कोने में बैठ जाइए और महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम 3 माला का जाप करिए। और जाप करने के बाद जो भी आपकी परेशानी आ रही है, आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं, वो परेशानी आप शिव जी से कहिए कि मेरी ये परेशानी है, आप उसे दूर कर दीजिए। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि सावन का महीना है, मेरी तो परेशानी अब दूर हो ही जाएगी, और मैं इस परेशानी को दूर करने की जिम्मेदारी भी आपको दे रहा हूँ। इस तरीके से आपने करना है और पूरे सावन का महीना आपने सेम प्रोसीजर करना है रोज। और सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप इस कार्य को सुबह 3 से 5 के बीच में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो 3 से 8 के बीच में ज़रूर कर लीजिए। वो समय बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी भरा होता है, उस समय में किया गया कार्य बहुत जल्दी फल देता है। तो आपने ये कर लिया, उसके बाद अब आपकी जो भी समस्या है वो आप भगवान से कहेंगे। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आप प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द विवाह हो जाए, और शिव जी भगवान से कहेंगे कि मुझे पता है कि सावन के महीने में मेरा विवाह हो जाएगा। ऐसी आपने कामना करनी है। जब भी आप सावन के महीने में पूजा करने बैठें तो विशेष तौर पर ध्यान रखें कि काला, नीला और ब्राउन कलर आप धारण ना करें। लड़कियां यदि विवाह के लिए इस पूजा को कर रही हैं तो लाल, पीला रंग यूज़ करें। रोज़ उसी रंग के कपड़े धारण करने के बाद पूजा करें। सोमवार का व्रत करें। सोमवार के व्रत में एक समय फल आहार खाया जाता है, इसमें नमक नहीं खाया जाता, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये परेशान होते हैं कि जो सावन के 4 सोमवार का व्रत आता है उसमें खाते क्या हैं, वो इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि उनको पता ही नहीं चल पाता कि इसमें नमक नहीं खाते हैं। क्योंकि कई पंडित कह देते हैं आप एक टाइम नमक खा लीजिए, एक टाइम नमक खा सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता, इसमें नमक नहीं खाया जाता है। आप एक समय भोजन करें, बिना नमक का करें, फलाहार आप ले सकते हैं। और
यदि बच्चे कर रहे हैं इसको, आप अपनी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए जब आप ये पूजा करने हैं तो उस पूजा के अंदर आप पीला और हरा रंग यूज़ करें। जब आप जाप कर लें, पूजा कर लें, प्रार्थना कर लें, सब कुछ करने के बाद वहाँ से एक बेलपत्ता आप उठा लीजिए। यदि आप विवाह योग्य युवती हैं तो उस बेलपत्ते को आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो बेलपत्ता अपनी किताबों के अंदर रख लीजिए। यदि आप व्यापारी हैं तो वो बेलपत्ता आप अपने ऑफिस या व्यापार स्थान के गले में रख लीजिए। यदि आप कोई जॉब करते हैं और प्रमोशन के लिए कर रहे हैं तो आपको ऑफिस के अंदर जो एक सीट मिली होगी उसकी ड्रॉअर में रख लीजिए। यानी कि आप जिस भी स्थिति में हैं उसको आपने वहाँ पर रखना है। आपने यदि आर्थिक तंगी आपको आ रही है, परेशान है, तो आप वो बेलपत्ता अपने धन स्थान पर रख लीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि परिवार में आपस में अच्छे से नहीं बन पा रही है तो वो बेलपत्ता आप एक की जगह तीन उठाइए और आपको उसे अपने घर के हर कमरे में रखना है। एक ड्राइंग रूम में रख दीजिए और आपके जितने कमरे हैं उसको वहाँ रख दीजिए। अभी तो आपके पास सावन के एक महीना यानी कि 30 दिन आपको मिलेंगे। 30 दिन में आप रोज़ बदल सकते हैं, पर जो पुराना बेलपत्ता है उसको आपने फेंकना नहीं है, उसको आप सुखा के रख लीजिए। जब आपके पास 30 दिन के इकट्ठे हो जाएंगे फिर उसे किसी एक पोटली में, लाल रंग के कपड़े में पोटली में बांधकर उसको रखिए। उससे आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ पाएगी। अब ये तो थे उपाय कि आप मंदिर जाके आप पूजा किस तरीके से करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के पास में जो मंदिर है उसमें बहुत भीड़ रहती है और आप इस उपाय को तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो यही उपाय आप घर में भी कर सकते हैं। एक तांबे की प्लेट ले लें, उसके अंदर आपके घर में जो शिव जी हैं, यदि शिव परिवार है तो वो ले लीजिए, और शिव परिवार नहीं है तो आप शिव जी की एक फ़ोटो मूर्ति ले लीजिए। अभी तो सावन आने में थोड़ा सा समय है, अगर आपको लगता नहीं है तो आप ले आइए और घर के ईस्ट में यानी कि पूरब दिशा में बैठकर इस पूजा को करें। निश्चित ही ये पूजा आपको फल देगी। सेम उसी तरीके से करना है, आप एक बड़े थाल के अंदर भगवान को बिठाइए, जल दीजिए, फिर दूध से स्नान कराइए, दही से स्नान कराइए, शहद, गंगा जल, घी से स्नान कराइए, फिर उसके बाद सादे पानी से स्नान कराने के बाद वो सारा आपका पंचामृत जो इकट्ठा होता है उसको आपने फेंकना नहीं है, उसको आप पौधों में डाल दीजिए या किसी गार्डन में डालाइए। तो वो उसके बाद आपने दिया, अगरबत्ती, धूपबत्ती वहीं बैठ के जलानी है। आपको आसन लाल रंग का लेना है, आपने भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है, काला, नीला और ब्राउन कलर आपने धारण नहीं करना है। उसके बाद वहीं बैठ के आप जाप करिए। जाप करने के बाद भगवान से अपनी प्रार्थना करिए पर जो आपको परेशानी आ रही है वो परेशानियां दूर हो जाए। निश्चित ही शिव जी इस महीने में आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि सावन के महीने में आप किस तरीके से क्या उपाय करें जिसको करने से आपकी परेशानियां दूर हो जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि आप किसी विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मेरा नंबर कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरे दोनों चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंश एंड बेस्टीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।